सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे संडे। अब कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत और बज रहे हैं सुबह के 10। अभी हमारा प्लान है बाहर जाने का, सो अभी जा रहे हैं हम अक्षरधाम मंदिर। डिसाइड तो यही किया है, सो अभी चलते हैं, अभी निकलते हैं। अभी हमने कैब वगैरह ऑटो वगैरह बुक कर लिया, तो वो नीचे खड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक शूट एड करके फिर मैं जाना चाह रहा हूँ। सो अभी सब तैयार हो चुके हैं। मतलब कैसा है अक्षरधाम मंदिर, एक्चुअली हम लोग पहली बार जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ सुना था। सो आज देखते हैं कैसा है अक्षरधाम मंदिर और आपको बताएंगे अपना पूरा एक्सपीरियंस। आप जुड़े रहिए इस वीडियो में ताकि हम आपको पूरा बता सकें कैसा है, क्या है और हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, मेरा छोटू, और ये तो कभी तैयार होती नहीं है, तो शीशे के सामने ही मिलेगी आपको। सो अभी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके, मेट्रो में जा रहे हैं, मेटा वाले रूट पर ही है शायद से। सो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। और बिरला मंदिर जा रहे हैं ये देखो, इनको सुबह से बता रखा है कि कहाँ जाएंगे और इनको पता ही नहीं है। तो मेट्रो पहुँच चुके हैं और अभी 2-3 मिनट में मेट्रो आएगी और फिर यहाँ से निकलते हैं अक्षरधाम के लिए। बीच में एक बार मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी और या फिर पहुँच जाएंगे हम अक्षरधाम। अगर आप अक्षरधाम मंदिर के लिए जा रहे हैं तो आपको जो रिक्वायरमेंट का सामान है वो लेके जाइए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई वीडियो में सुना है कि आपको लिमिटेड सामान लेने जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट आप लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सामान रखने की सुविधा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लॉकर का टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल तो आप मस्ट रखेंगे ही रखेंगे, खाली मोबाइल ही ले आते हैं, तो मोबाइल के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा और वहाँ सबमिट कराना पड़ेगा। सो बेटर यही है कि अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर छोटी मोटी चीज़ें आपके पास है तो वो कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करानी पड़ेगी। आपको क्यू में लगना ही पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के लिए भी सेम क्यू है, प्लस सामान के लिए भी सेम क्यू है। अगर आपका बड़ा सामान है तो उसके लिए आपको फिर डिफरेंट क्यू में लगना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए जैसे आपके लगेज है तो लगेज के लिए अलग काउंटर बने हुए हैं। आपको वहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की परमिशन नहीं है, जैसे पावर बैंक हो गया, लैपटॉप हो गया, हेडफोन्स हो गए, फ़ोन हो गया, ये सब आपको ले जाने की परमिशन नहीं है। छोटा हैंडबैग आपको अलाउड करते हैं अंदर ले जाने के लिए, आपका वॉलेट अलाउड करते हैं, बेल्ट अलाउड करते हैं, भले से लेदर का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो अलाउड करते हैं, अंदर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक छोटा सा हैंडबैग आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़रूरत का सामान होगा। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मेकअप चाहे तो वो कैरी कर सकते हैं। तो मैं सैनिटाइज़र की बॉटल भी ले गया था, तो सैनिटाइज़र भी वो अलाउड करते हैं। अम्ब्रेला अगर आप नहीं ले जाते तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पर अंदर आपको अम्ब्रेला अलाउड नहीं करेंगे ले जाना, कि आप सामान कितना भी ले जाएं आपको क्यू में लगना ही पड़ेगा। एक मोबाइल के लिए भी आपको क्यू में लगना पड़ेगा और 10 सामान के लिए भी आपको क्यू में लगना पड़ेगा। अक्षरधाम अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। आपको 2 पार्किंग मिलती है, एक मेट्रो में जो कि है पेड पार्किंग, और दूसरी आपको मिलेगी अक्षरधाम में जो है फ्री पार्किंग। क्यू में लगते हैं तो वहाँ सामान में क्यू में लगने से पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, बेसिक चीज़ें होती हैं, और नीचे आपको साइन करना होता है। अक्षरधाम में जो आपको वाटर शो दिखाया जाता है, वो उसकी टाइमिंग है 7:30 रात को, आपको 7:30 से वो स्टार्ट होता है, और इसके लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, वहाँ पे 90 रुपीज़ का टिकट है। वो आपको शाम 4 बजे से प्रोवाइड होता है, आपको 6 बजे से वहाँ पे लाइन लगनी चालू हो जाती है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर, अभी रात के बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, और हम अभी निकल रहे हैं अक्षरधाम से बाहर, लेजर शो देगा, लेकिन कंप्लीट नहीं देख पाए, थोड़ा सा रह गया,
लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अच्छा था जो भी था जितना भी था। और सो अभी मैं अपनी फैमिली पीछे आ गई, सो अभी चलते हैं मेट्रो की तरफ, मेट्रो बोर्ड करने के लिए।